सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपने पहले भी सुना हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में सुना वेक्टर की फॉर्म में सुपर पोजिशन, प्लस वन में वेव में सुना सुपर पोजिशन, प्लस वन की वेव का सुपर पोजिशन काम आएगा यहाँ पर, वेक्टर नहीं, वेक्टर भी लगा सकते हो एक ही बात है, बट सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है वेव में कि अगर कोई क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है, ट्रफ पे गिर जाए तो दोनों का एम्पलीट्यूड माइनस हो जाता है, तो नेट एम्पलीट्यूड नई वेव का कम हो जाएगा, और अगर कोई क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट पे ही गिर जाए तो जो नई वेव आएगी उसका एक बड़ा क्रेस्ट आएगा। और इस बात को यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, एक रस्सी है, क्रेस्ट और क्रेस्ट आ रहा है, जब ये मिलेंगे बड़ा क्रेस्ट है, क्रेस्ट और ट्रफ आ रहे हैं आपस में, दे विल कैंसल ईच अदर। तो सुपर पोजिशन यही तो कहते हैं कि व्हेन टू और मोर वेव मोशन ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, तो न्यू वेव इज जनरेटेड सच दैट डिस्प्लेसमेंट वाई वेक्टर एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो से ज़्यादा भी वेव हो तो भी ये लॉ चलता है। मतलब मैं सिंपल ये बताता हूँ कि दो वेव मिला के एक नई वेव को प्रोड्यूस किया जा सकता है इस प्रिंसिपल से। पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल तो चलो हमने, ये तो बेसिक है, असली जो चीज़ है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो हमने स्टडी करनी है।